阿北，阿北嘛，你要去接。那么呀？那么呀？Left. Thank you. Thank you. How are you? Good. And you get to see what time? Ready. लेके हमने सोचा कि इस कैंपेन को हर घर हर नौजवानों तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि नौजवानों को यंगस्टर्स टीन्स को ये पर्यावरण के साथ ज़्यादा ज़िंदगी बिताना है और हमने देखा कि एक बहुत ज़्यादा कंसर्न नौजवानों में रहा इस पर्यावरण के संदर्भ में, क्योंकि उन्हें ये फिक्र है कि भाई हमें तो हमारे पूर्वजनों ने पर्यावरण बहुत सुंदर तरीके से दिया है, हमने अच्छा जीवन जिया है, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले जो युग है वो क्या ये पर्यावरण में पोषक जीवन जी पाएंगे या हेल्दी जीवन समावेश कर पाएंगे, इस चलते इनके मनों में बड़ी दुविधा है। और उसके चलते हमने ये सोचा कि भाई संगीत के माध्यम से, आजकल ज्ञान लोगों को पसंद नहीं है, आप किसी को कहोगे तो लोग कहेंगे भाषण दे रहे हैं, मैं भी शायद बोल रहा हूँ तो कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं है, लेकिन संगीत एक ऐसी माध्यम है जिसके चलते हर एक को एक एक आकर्षण होता है, और ख़ास तौर पे अगर फिल्म अभिनेता उसमें सहभाग हो जाए तो उसका एक अलग ही चित्र निकल आता है। और उसके चलते हमने देखा कि पिछले साल जो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन कैंपेन था, टिक टिक प्लास्टिक, वो काफ़ी वायरल रहा, सारे चैनल्स ने उसे सहयोग दिया, यूनाइटेड नेशंस में उसे दिखाया गया, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने उसको लॉन्च किया, उनकी मौजूदगी में ये लॉन्च हुआ, दिया जी भी वहाँ थी विज्ञान भवन में 5 जून को, क्योंकि इंडिया वॉज द ग्लोबल होस्ट। तो इस तरीके से एक बहुत सुंदर कैंपेन था और हमें उसके लिए ग्रीन क्रूसेड अवार्ड पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के जानिब से हमें प्राप्त हुआ। और इस साल हमने यही सोचा कि भाई चूँकि इतना बढ़िया इम्पैक्ट रहा कि 6 मिलियन व्यूज़ तक हम पहुंच पाए, तो हमने सोचा कि भाई इसे और सुंदर करें और बेहतर करें। स्वानंद किरकिजे जी ने बहुत ही सुंदर गाना लिखा था, दिया जी पिछले बार भी प्लास्टिक कैंपेन के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी, और शायद उन्होंने ही उन्होंने ही ट्रेलर लॉन्च किया था इसका, शायद आप में से काफ़ी मीडिया के लोग भी वहाँ शरीक थे, और बहुत ही सुंदर ट्रेलर था। और आज जो है ये कैंपेन है ऑन एयर पोल्यूशन, क्योंकि इस साल का जो थीम है एयर पोल्यूशन, स्वानंद जी ने फिर से बहुत सुंदर गाना लिखा है, चल हवा आने दे, हवा आने दे इज़ द टैगलाइन ऑफ द होल सॉन्ग, तो बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने, शान जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे कंपोज किया, और अन्य फिल्म के लोग इसमें सहभागी रहे। तो मैंने दिया जी से जब कहा तो उन्होंने काफ़ी रुचि दिखाई कि नहीं आसिफ जी, मैं मुझे खुशी होगी, पर्यावरण के लिए उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और जहाँ तक कि हमारे अपनी फाउंडेशन से संबंधित विषय, तो मुझे लग रहा है जब हमने आज से 12 साल पहले शुरू किया, लेकिन दिया जी हमारे कार्टर रोड के फंक्शन में 5 जून को पिछले 8 या 9 साल पहले भी आई थी, और हर साल उनका आशीर्वाद और सहयोग रहता है, सिर्फ हमें ही नहीं अन्य लोगों को जो ऐसे पर्यावरण हितैषी काम करते हैं, तो इस किस्म से उन्होंने हमेशा सहयोग दिया। तो इस बार भी कई लोगों ने, जैसे शंकर महादेवन जी ने भी गाने का एक तीन लाइन उन्होंने गाया, एक मुखड़ा उन्होंने गाया है, एक मुखड़ा आपका कपिल शर्मा जी ने भी इच्छा जताई कि भाई मुझे भी इसमें सहभाग होना है, क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है कितना हानिकारक है, मैं समझता हूँ विश्व के 20
सिटीज़ में से 13 सिटीज़ जो हाईली पोल्यूटेड है वो हिंदुस्तान में, दुर्भाग्य से, और जिससे मुंबई और दिल्ली जो स्मॉग और पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड और इन्फेक्टेड सिटीज़ है, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो इसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए वो दिया जी ज़्यादा उसके लिए सक्षम है, तो वो विषय दिया जी स्वयं बोलेंगी। जहाँ तक मेरा अपना विषय है, ये हमने जो म्यूज़िक कॉम्पोजिशन क्रिएट किया है इसे हम अभी बहुत जल्द एक ट्रेलर उसका लॉन्च होगा, हम चाहेंगे दिया जी भी अवेलेबल हो तो हम उनके मौजूदगी में करें। आज इनका थोड़ा सा रिहर्सिंग है ऑन द म्यूज़िकल कैंपेन, इसके बाद वो होगा और 5 जून की ये पूरी तैयारी होने जा रही है। 5 जून का निमंत्रण मैं आप लोगों को अभी से ही दे देना चाह रहा हूँ। आप लोग जानते हो कार्टर रोड पे ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है, तो सारे फिल्म के लोग इकट्ठा इसमें आ रहे, और पर्यावरण मंत्रालय इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हमारे संग, दे हैव पार्टनर्ड विद द कैंपेन on the theme of the United Nation, and SBI has supported it. State Bank of India हमेशा ऐसे पर्यावरण के विषय में, हमारे साथ दिनेश जी भी आए हुए हैं, और पर्यावरण के विषय में उन्होंने इसके पहले ग्रीन मैराथन किया था, और अभी इस जागतिक पर्यावरण दिवस को भी वो सहयोग करके इसको भी अपने, उनका पूरा स्टाफ, उनकी पूरी टीम, उनका सारे जो एग्जीक्यूटिव्स है वो सब मिलकर जो वहाँ पर एक बड़ा साइक्लोथॉन होने जा रहा है कार्टर रोड पर, उसमें सारे सहभाग होंगे। मुझे लगता है हज़ारों की तादाद में, बड़े संख्या में बांद्रा में 5 जून को लोग आएंगे, और ये इसका लॉन्च होगा, इसका अनवीलिंग होगा। दिल्ली में भी इसका ट्रेलर अनवीलिंग पर्यावरण मंत्रालय में या विज्ञान भवन में होने जाएगा बिफोर द 5th of June, और 5 जून को हम कार्टर रोड पे करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा कि दिया जी बोले इसके पहले, स्वानंद जी दो शब्द बोले, क्योंकि दिया जी इज एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ग्लोबल स्टेटिस्टिक है जो सिर्फ पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा रहा है, वो हम सबके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है, हमारे बच्चों को, हमारे माँ बाप को और हमें। 10 में से 9 लोग पोल्यूटेड एयर इनहेल कर रहे हैं, पोल्यूटेड हवा में सांस ले रहे हैं। इस हवा का सांस लेना ज़िंदगी पे क्या मायने रखता है, क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं हम पर जब हम पोल्यूटेड हवा में सांस लेते हैं। बच्चों के लिए ये डीजेनरेटिव होता है, उनके मेंटल हेल्थ, उनके फिजिकल हेल्थ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। आप शायद ये जानते हैं कि लंग्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो तब तक बढ़ते हैं जब तक हम बढ़ रहे होते हैं। सो दे एक्चुअली ग्रोइंग एज योर अ चाइल्ड, जब भी आप खेलते हैं, कूदते हैं, योर लंग्स आर एक्सपेंडिंग, योर हार्ट हेल्थ इज़ ग्रोइंग। इसीलिए हमें कहा जाता है कि खेलो, बाहर दौड़ो। लेकिन जब हम अस्वस्थ हवा में खेलते कूदते हैं और इस हवा को हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, तो हमारे जितने भी डिवेलपिंग ऑर्गन्स हैं हमारे बच्चों में, वो हैंडीकैप हो जाते हैं। So we are not even allowing the organs of our children to grow properly and reach their optimum level. और उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तो जितने भी हमारे जैसे lung capacity होती है वो कम होने लगती है वैसे भी, क्योंकि that's the course of life, that's how we are made. अब आप सोचिए कि जिस इंसान में full lung capacity नहीं मिला हो क्योंकि वो प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, फिर जाके एक उम्र के बाद उनका लंग कैपेसिटी कम होने लगता है, तो कितनी बुरी तरह से कम होता है। इस वजह से बहुत सारे लोगों में COPD, अस्थमा और बाकी सब बीमारियां हो रही हैं, देयर इज़ अ राइज इन कैंसर। मैं इस विषय पे ये बोल रही हूँ क्योंकि हमें प्रदूषित हवा के बारे में और सोचना ज़रूरी है, इसे और गंभीरता से हमें जांचना होगा। जो सिस्टम्स हैं जो एयर के पोल्यूशन लेवल्स को चेक करती हैं, वी नीड दो सिस्टम्स, वो अभी भी हमारे देश में पूरी तरह से मौजूद नहीं है। दूसरी बात, आम तौर पर एक इंसान के तौर पर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को और बहुत कुछ करना चाहिए, वाकई में बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या
आप और मैं और कुछ कर सकते हैं इस प्रदूषित हवा को कम करने के लिए? और अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि आप और हम बहुत कुछ कर सकते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। उसमें से कुछ छोटे मैं आपको आज नुस्खे बताऊंगी और होपफुली आप सब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एक, जो हम सोचते नहीं लेकिन बहुत बुरी तरह से ये हवा को प्रदूषित करता है, कचरा जलना। कचरा जलना और उसे जलाना, अगर हम सब घर पे अपने कचरे को अलग करने लगेंगे, सेग्रीगेट योर वेस्ट एट होम, स्टार्ट कॉम्पोस्टिंग योर वेट वेस्ट, जो आपके किचन में पैदा होता वेस्ट है उसे कॉम्पोस्ट करना शुरू कर दें, जो ड्राई वेस्ट आप बना रहे हैं, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसका सही तरीके से डिस्पोजल करवाना, आप उसे अपनी जिम्मेदारी बना लीजिए। हम कर चुके हैं और पिछले 5 साल से हमारी सोसाइटी ये बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रही है, तो ये हो सकता है, हम ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका है टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन इज़ टू स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक्स। ये पिछले साल के कैंपेन से कनेक्टेड है। आपको पता है दुनिया में सिर्फ 1% सिंगल यूज प्लास्टिक रिसाइकल होता है। ये जो प्लास्टिक के बॉटल से लोग पानी पीते हैं, अगर आप उसे धुतकार दे, उसे ठुकरा दे और अपने खुद का एक मेटल बॉटल कैरी करना शुरू कर दे, तो आप खुद एज एन इंडिविजुअल पर्यावरण पे बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तीसरा काम हम सब जो कर सकते हैं वो ये है कि जितने भी पॉलिसीज़ बन रही हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो पर्यावरण की तरफ काम कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए। क्योंकि जब भी, मेरे हिसाब से, मैं ये बहुत गहरे दिल से मानती हूँ कि जब भी हम पर्यावरण में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे बच्चों के लिए इससे अच्छा फिक्स डिपॉजिट और लाइफ इंश्योरेंस सिस्टम नहीं बना पाते। ये सबसे अच्छा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है पर्यावरण की सुरक्षा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आई थिंक हम सब कर सकते हैं, और मेरी उम्मीद यही है कि इस साल का जो कैंपेन है बीट एयर पोल्यूशन, ये हम सब के जहन में गहरी तरह से उतरे, हम सब इस बात को समझ पाए कि हमें सब मिलकर प्रदूषण के खिलाफ लड़ना होगा और अपने गवर्नमेंट से समस्याओं के समाधान खोजने होंगे और उनसे कहना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है ये अब आगे नहीं हो सकता। क्योंकि जितने भी देशों में और शहरों में हमने एक्सपीरियंस किया है एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन लेवल्स, जब वेयर दे हैव चोजन टू कॉम्बैट द एयर पोल्यूशन, दे हैव सक्सेसफुली कॉम्बैटेड एयर पोल्यूशन। तो ये हम कर सकते हैं, वी कैन चेंज दिस एंड वी कैन इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ आर चिल्ड्रन एंड आर पेरेंट्स एंड आर ओन लाइफ। देखिए, बहुत सारे पब्लिक सर्विस कैंपेन्स का मैं हिस्सा बन चुकी हूँ। ओला और, तो कहते हैं ओला और गीला कचरा, जो सूखा और गीला कचरा है उसका जो अंतर है वो एक्चुअली सारे म्यूनिसिपल वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। उसके साथ साथ देयर लॉट्स ऑफ पब्लिक सर्विस मैसेजेस दैट हैव बीन कन्वेइंग। वेट वेस्ट क्या होता है? जो आपके प्लेट का बचा हुआ खाना हो या आपकी कटी हुई सब्जी या फल का छिलका हो, दैट इज़ वेट वेस्ट। जो भी धरती से उठता हो वो वापस धरती में जा सकता है, उसे वेट वेस्ट कहते हैं। ड्राई वेस्ट क्या है? जो धरती से ना उगा हो, अंडे के छिलके तो धरती से आते हैं तो वो वापस धरती में मिल सकते हैं, लेकिन जो हमारी जितनी भी पैकेजिंग है, बिस्किट के रैपर्स, राइस आटा दाल के जो पैकेजिंग के रैपर्स हैं, या आपके मिल्क कैन के टेट्रा पैक्स हैं, जितने भी ये जो इसे सूखा कचरा कहते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो धरती में नहीं मिल सकता, प्लास्टिक धरती में नहीं मिल सकता, तो जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है, पेपर वेस्ट है, मेटल वेस्ट है, ई वेस्ट है, जैसे कि आपका बल्ब जल गया हो, आप सीधा उसको कचरे में डाल देते हैं, ना करें ऐसे। अपने बल्ब्स को इकट्ठा कीजिए,
ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स हैं मुंबई में, बहुत जगहों में आप अपने ई वेस्ट को वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी तो डोर स्टेप कलेक्शन सिस्टम भी शुरू हो गया है। हम जितना भी ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे वो उतना ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता जाएगा। Well, I have to admit that while there has been great work done by environmentalists in our country, they have been lone crusaders. They have also been perceived as obstructionists, people against progress. And I think that's a very disappointing narrative, because the fact is that no one cares for our progress more than environmentalists. Because true progress is only possible when there is health. And if we don't have health, then I have no idea how we hope to be a strong, productive workforce. The Bhamla Foundation has, over the years, exemplified the active participation of bringing civil society closer to government policy, helping them understand the difference that we can make as individuals at the ground level, and taking communication to the people. And whether it was last year's campaign on Beat Plastic Pollution with the Tick Tick song that some very generous and large-hearted and wonderful people came together to make, or it is what we're doing this year with the Beat Air Pollution campaign, I think each one of us can use whatever our strength is. Swanand uses his strength, which is the craft of writing. I use my strength, which is the craft of communication. Asif ji uses his strength, which is government position, network, whatever it is he has. He uses his strengths. All of you can use your strength. SBI, of course. SBI is the strongest amongst us. Because when there's money, a lot gets done. But I have to acknowledge the fact that there are many people who have no money and still do things. So each one of us, I don't need somebody to pay me to make a better choice. And we all have the power to make better choices. And Swan ji, jo music ke jariye jo message diya gaya, hum chahenge ki kya kuch aap logon ne line choose ki, kyunki jaisa ki sir ne bataya ki 6 million logon ne use dekha and accept kiya. Dekhiye jo itni sari baat hai, hum bahut saron se, main pichle saal bhi भामला फाउंडेशन के साथ जुड़ा था ये गीत करने के लिए, और हमने मतलब जो बात समझ में आती है वो सबसे बड़ी बात, जैसे दिया ने अभी समझाई है सारी बातें, ये मुझे लगता है कि यही सारी बातें गाने में भी लाने की कोशिश की गई है। मैंने जब इसमें जब गाना लिख रहा था तो मैं रिसर्च का हिस्से के बतौर मैंने दिया को भी फ़ोन किया था, आसिफ सर ने मुझसे कहा था, और उन्होंने एक बात मुझसे उस वक्त कही थी दिया ने कि दिक्कत यह है कि हमको जो चीज़ फ्री में मिलती है हम उसको वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम उसकी हमें वैल्यू नहीं होती, और जो सबसे ज़्यादा फ्री में हमको जो चीज़ मिली है मिलती है वो है कुदरत, और कुदरत हमको जो देती है वो ज़िंदगी, हवा, और हम उसके बारे में ही सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। तो हमने वही सारी चीज़ें गाने के अंदर लाने की कोशिश की है। गाने के अंदर लाने की कोशिश में एक और चीज़ बहुत ईमानदारी से लाने की कोशिश की है कि वो है सिंप्लिसिटी, कि बात जो है वो सबको समझ में आए, बच्चे, क्योंकि बच्चे सबसे पहले इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं हमारे यहाँ, अगर हम उन तक सही तरीके से बात पहुँचाए तो वो बच्चे उसको बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत अच्छे से इस बात को आगे बढ़ाते हैं। टिक टिक के साथ हमारा एक्सपीरियंस है कि मतलब जिस तरह से वो गाना लैपअप किया था बच्चों ने, तो हमने वो कम्युनिकेशन को उसी तरह से रखा हुआ है कि ये गाना स्कूल में बच्चों में, ताकि वहीं से ये अवेयरनेस स्प्रेड हो, और बच्चा जब बाप को बोलता है, माँ को बोलता है कि आप ज़रा ठीक रहिए, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आए बजाय इसके। तो गाने का यूज़, और शान ने बहुत खूबसूरत बहुत ही पॉपुलर वे में इसको कंपोज किया है, सेकेंड टाइम वी आर डूइंग दिस फॉर भामला फाउंडेशन, आसिफ भामला सर, सो या थैंक यू। या मैं गा के तो नहीं सुना पाऊंगा आपको, लेकिन हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल इसका हुक लाइन है कि थोड़ी हवा आने दे, ताज़ी हवा आने दे। सो ये सिंपल सी बात है इसमें कि हमारी ज़िंदगी में, खुद की ज़िंदगी में ताज़ी हवा आने दे, और हम ही ला, जैसे दिया ने अभी बताया, हम ही हैं जो इसको ला सकते हैं, इस ताज़ी हवा, थोड़ी हवा। आप लोगों को ये पता होगा
कि पिछले बार जो कैंपेन बना उसका असर कितना रहा, हम कहते हैं ना इम्पैक्ट क्या था। अगर आप देखोगे यूट्यूब पे जाओगे तो कम से कम कई हज़ारों स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में ये जो है ये गाना जो है उन्होंने इसको कम उसको एग्जिबिट किया है और बच्चे उस पर डांस कर रहे और बच्चे उनसे मतलब यू नो कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और आज पर्यावरण को एक सब्जेक्ट के तौर पर स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बीएमसी स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि हमने पिछली बार जब ये 5 जून के बाद हमने मुख्यमंत्री जी से एक डेलीगेशन लेके दिया, उन्होंने पर्यावरण को एक सब्जेक्ट करके इनकॉर्पोरेट किया। और इंटरेस्टिंग यू से दिस क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के मुताबिक एनवायरमेंटल स्टडीज आर सपोज टू बी मैंडेटरी इन ऑल स्कूल्स। एग्जैक्टली, वो अब तक लागू नहीं हुआ है लेकिन धीरे धीरे हम उसको करवा देंगे। और उसका पीरियड बाकायदा उस उनके जो क्लास के जो पीरियड होता है एनवायरनमेंट का, उसमें ये गाना चलाया जाता है, यू नो, तो उससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और उससे लोगों को एक थोड़ा सा एक अलग। तो अगर आप यूट्यूब पे देखें, और इस बार का जो वीडियो है वो इतना ज़्यादा कैची है कि मैंने एक बहुत बड़े म्यूज़िक कंपनी के ओनर को जब हमने सुनाया तो आपको याद है 3 बार उन्होंने कहा भाई हमें सुनना ही है, और उन्होंने अश्योरेंस किया है कि भाई ये दिस इज़ गोइंग टू हैव एटलीस्ट 20 million आउटरीच बिकॉज द सॉन्ग द ट्यून इज सो कैची दैट इट हैज़ टू गो मच बिगर देन इवन द लास्ट कैंपेन। आई एम श्योर वील बी डूइंग मच बेटर देन व्हाट वी डिड लास्ट ईयर। और इरादा एक ही है कि भाई एयर पोल्यूशन के बारे में लोगों को सावधान करना, इसके प्रति क्या क्या करना चाहिए। दिया जी ने स्वयं कुछ लीड्स और पॉइंट्स दिए, मुझे याद है मैंने जब उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा स्वानंद जी से कहिएगा कि फाइनल्स जो है गाना जब तक के नहीं रिलीज़ करे जब तक मुझसे बात ना करे। तो मैंने स्वानंद जी से कहा कि मैं फ़ोन मैं गाऊंगी नहीं, मैं बोलूंगी मुझे गाना नहीं आता दोस्त, म्यूजिक वीडियो अलग बात होती है। हाँ नहीं, वो शान का काम है, शान को जो आपको मिलाएंगे। हाँ आप शान से बोलिए गाने के लिए। Where is the? Are you resending it to me? पैदा होती हरे हरे ट्री में, पैदा होती हरे हरे ट्री में, कुदरत देती हवा हवा फ्री में, हमको उसका मोल नहीं है, जो भी हमें मिले इजी में। ये हमारे थॉट को स्वानंद जी ने बड़े खूबसूरती से गाने में लिख दिया, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू आप लोग सब यहाँ आए, प्लीज़ इस कैंपेन को सपोर्ट कीजिए, आप जिस तरह कर सकते हैं कीजिए। और अगर निजी ज़िंदगी में आप सब बदलाव ला सकते हैं और अपने कॉलीग्स को इंस्पायर कर सकते हैं तो ये और भी अच्छा होगा। थैंक यू। और आपके व्यूअर्स को थैंक यू। 5 जून के लिए आप लोगों ने सब पूरे तरीके से इस कैंपेन को सहयोग करने के लिए कार्टर रोड पे सबने आना है। अभी तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है और अभी तक तो टिकटॉक पे खाली लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए हम लोग करते थे, और कोई सोशल कॉज के लिए फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं। और इसमें और भी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं तो इन लोग के साथ हम लोग को काम करने का मौका मिल रहा है। गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, गाना बहुत अच्छा लगा। अभी संडे शूट है, देखते हैं कैसा होता है शूट। अभी गाने का लिरिक्स अच्छा लगा है, फर्स्ट इसमें सोशल कॉज के लिए कोई मतलब ऐसे काम फर्स्ट करने आ रहे, नहीं तो हम लोग कोलैबोरेशन और भी बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ किए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी कलंक मूवी का प्रमोशन था तो उसमें वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ भी किए थे। फिर लास्ट टाइम जब भामला फाउंडेशन की ऑफिस गए थे हम लोग तो शान सर वहाँ पे खुद वहाँ पे आए थे, तो वो खुद हम लोग को सॉन्ग सुनाए और हम लोग से रिव्यू पूछ रहे थे, मतलब तो बहुत अच्छा लगा वो टाइम पे कि मतलब शान सर इतने बड़े सिंगर होके हम लोग से हमारा रिव्यू पूछ रहे कि ये सॉन्ग में क्या मतलब कुछ और इंक्लूड करना चाहिए क्या, तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब। और अभी देखते हैं क्या होता है, संडे को शूट है हम लोग का, बहुत एक्साइटेड है हम लोग।
एयर पोल्यूशन को लेकर के आप क्या चाहेंगे कि क्या बदलाव आप शहर में ला सकते हैं, अपने इलाके में ला सकते हैं? आप क्या सोचते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, कैसे लोगों को रहना चाहिए ताकि अपना वातावरण और माहौल सही कर सके? सबसे पहले लोगों के जो लाइबिलिटीज़ है, जो शौक़ है, वो थोड़ा कम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल घर में रहने वाले चार लोग रहते हैं मगर पैसे वाले रहते हैं, तो उन लोगों के घर में आठ गाड़ी रहती है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए जितना हो सके। उसके बाद कचड़े प्रॉपर मतलब डस्टबिन में डालना चाहिए और स्मोकिंग बंद करना चाहिए।